हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप लोग? आज की इस वीडियो में गाइस मैं आप लोगों से शेयर करने वाली हूँ सूदिंग लोशन और स्किन शाइनर का कंप्लीट रिव्यू। इस वीडियो में इन डिटेल में आप लोगों को बताऊंगी सूदिंग लोशन और स्किन शाइनर के इस्तेमाल के बारे में और इनके फवायद के बारे में। तो चलिए गाइस आज की वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। फर्स्टली गाइस मैं आप लोगों से डिस्कस करूंगी सूदिंग लोशन के बारे में। तो यहाँ पर मेरे पास जो सूदिंग लोशन अवेलेबल है ये सॉफ्ट टच ब्रांड का सूदिंग लोशन है। ये आपको इजीली लोकल मार्केट से मिल जाता है। अगर इसकी प्राइस की बात करें तो ये ऑलमोस्ट आपको 120 या फिर 200 रुपीज़ में मैक्सिमम मिल जाएगा। अगर इसकी बैक साइड की बात करें तो यहाँ पर इन्होंने क्लियरली मेंशन किया है कि आप लोग सूदिंग लोशन को फेशियल में किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हो उसके बारे में, और यहाँ पर बॉटम में इन्होंने इसकी एक्सपायरी और मैनुफैक्चरिंग डेट भी मैंशन की है। उसके अलावा अगर गाइस बात करें सूदिंग लोशन की, तो आप इसे मुख्तलिफ तरीक़ों से इस्तेमाल कर सकते हो। फॉर एग्जांपल आप इसे स्किन पॉलिशिंग में ऐड कर सकते हो, आप इसे स्किन ब्लीचिंग अगर आप करना चाह रहे हो तो उसमें भी आप इसे ऐड कर सकते हो। ये आपकी स्किन के ऊपर आने वाली रेडनेस को और ईचिंगनेस को रोकने का काम करता है। अगर बात करें सूदिंग लोशन के टेक्सचर के बारे में, तो यहाँ पर मैं इसे अपने हैंड के ऊपर आपको अप्लाई करके दिखा देती हूँ। जस्ट मैंने वन ड्रॉप सूदिंग लोशन अपने हैंड के ऊपर लिया है और इसे आप अच्छे से मसाज करके अपनी स्किन में एब्जॉर्ब करोगे, जैसे मैं अपने हैंड के ऊपर एब्जॉर्ब कर रही हूँ। सूदिंग लोशन के डिफरेंट यूजेज हैं, उनके बारे में अगर डिस्कस किया जाए तो फॉर एग्जाम्पल अगर आपने फुल फेस की थ्रेडिंग करवाई है या वैक्सिंग करवाई है, आफ्टर देन हमारे फेस के ऊपर आपको पता है छोटे छोटे दाने आ जाते हैं रेड कलर के, उनके ऊपर भी अगर आप सूदिंग लोशन को अप्लाई करो तो वो भी आराम सुकून से आपकी स्किन के ऊपर से हट सकते हैं, रिमूव हो सकते हैं। आपकी स्किन को सॉफ्ट एंड सफल बनाने का काम करता है, आपकी स्किन को सूद करने का काम करता है। नेक्स्ट अगर इसके इस्तेमाल के बारे में बात की जाए, तो आफ्टर वैक्सिंग भी आप सूदिंग लोशन को अप्लाई कर सकते हो अपने लेग्स के ऊपर, अपने आर्म्स के ऊपर, ताकि आपकी स्किन के ऊपर जो रेडनेस आती है ये उसे रिमूव करने का काम करता है, आपकी स्किन के ऊपर से ईचिंगनेस को रिमूव करता है। फॉर एग्जाम्पल काफी लड़कियां ऐसी होती हैं जिनकी स्किन बहुत ज्यादा सेंसिटिव होती है, जब वो ब्लीचिंग करती हैं या स्किन पॉलिशिंग करती हैं तो उनके फेस के ऊपर रेडनेस आ जाती है, तो ये उसे भी रिमूव करने के लिए बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल है। आफ्टर वैक्सिंग या आफ्टर यानी कि ब्लीचिंग या स्किन पॉलिशिंग अगर आप इसे अप्लाई करो तो ये आपकी स्किन को सॉफ्ट एंड सफल बनाता है। नेक्स्ट अगर बात कीजिए सूदिंग लोशन के बारे में, तो सूदिंग लोशन को आप लोग ब्लैक हेड्स को रिमूव करने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हो। फॉर एग्जांपल अगर आपके बहुत ज्यादा ब्लैक हेड्स हैं तो आप अपने नोज के ऊपर इसे अप्लाई करो, 2 से 3 मिनट के लिए मसाज करो, देन ब्लैक हेड रिमूविंग पिन की हेल्प से आप अपने ब्लैक हेड्स को रिमूव करोगे तो वो इजिली रिमूव हो जाएंगे और आपकी स्किन बहुत ही स्मूथ एंड सॉफ्ट रहेगी। उसके अलावा अगर बात करें सूदिंग लोशन के बारे में, तो आप इसे एज अ डीप क्लेंजर के तौर पर भी इस्तेमाल कर सकते हो। अगर आपके पास इतना बजट नहीं है कि आप अलग से क्लेंजर बाय करो, तो देन आप क्लेंजिंग मिल्क की जगह पे सूदिंग लोशन को यूज करके अपनी स्किन की डीपली क्लेंजिंग भी कर सकते हो। अगर आप घर पे ही स्किन पॉलिशिंग कर रहे हो या ब्लीचिंग कर रहे हो, अगर आपके पास इतना बजट नहीं है कि आप अलग से एक मसाज क्रीम बाय करो, तो देन आप सूदिंग लोशन की हेल्प से अपनी स्किन की मसाज भी कर सकते हो। नेक्स्ट गाइस बात कर लेते हैं स्किन शाइनर के बारे में। तो यहाँ पर मेरे पास जो स्किन शाइनर अवेलेबल है ये सॉफ्ट टच ब्रांड का ही स्किन शाइनर है। ये भी आपको इजिली लोकल मार्केट से मिल जाता है। इसकी प्राइस भी ऑलमोस्ट 120 या 200 रुपीज में मैक्सिमम आपको मिल जाता है। अगर बात करें इस प्रोडक्ट की, तो ये गोल्डन गर्ल कॉस्मेटिक का प्रोडक्ट है और ये मोस्टली स्किन पॉलिशिंग में या फिर ब्लीचिंग में इस्तेमाल किया जाता है। अगर आप लोग ब्लीचिंग बना रहे हो या स्किन पॉलिशिंग घर पे बना रहे हो, तो देन आप फ्यू ड्रॉप्स इसके उसमें ऐड कर सकते हो। ये आपकी स्किन को एक अमेजिंग सा ग्लो देने का काम करता है। अगर आप चाहो तो आप इसे अपनी डेली स्किन केयर रूटीन में भी ऐड कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल अगर आपने अपने फेस को वॉश किया है, क्लींस किया है, देन उसके बाद टोनिंग की है, तो देन आप इसे अप्लाई करके ओवरनाइट के लिए अगर छोड़ दोगे तो ये आपकी स्किन में एक अमेजिंग सा ग्लो लाता है, आपकी स्किन कॉम्प्लेक्शन को इन्हांस करता है, आपकी स्किन को व्हाइटन एंड ब्राइटन करता है और स्पॉटलेस भी करता है। अगर आपकी ड्राई स्किन टाइप है तो ये आपकी स्किन को बहुत अच्छे से हाइड्रेट करता है, मॉइस्चराइज करने का काम करता है। और यहाँ पर आप देख सकते हो इसमें लेमन भी अवेलेबल है, तो लेमन में आपको पता ही है स्किन लाइटनिंग एंड स्किन ब्लीचिंग प्रॉपर्टीज पाई जाती हैं, जो हमारे स्किन के लिए बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल होती है। मोस्टली जब हम पार्लर्स पे जाते हैं, स्किन पॉलिशिंग करवाते हैं, फेशियल करवाते हैं या फिर ब्लीचिंग करवाते हैं, आफ्टर देन सैलॉन्स वाली हमारे फेस के ऊपर एक व्हाइट कलर का लिक्विड अप्लाई करती है, वो स्किन शाइनर ही होता है, और ओवरनाइट हम उसे छोड़ देते हैं अपने फेस के ऊपर और नेक्स्ट डे हम जब मॉर्निंग में उठते हैं हमारे फेस के ऊपर एक अमेजिंग सा ग्लो होता है, वो जस्ट बिकॉज ऑफ स्किन शाइनर होता है। तो अगर आप चाहो तो आप इसे अमेजिंगली अपने डेली स्किन केयर रूटीन में यूज कर सकते हो और अपनी स्किन को एक अमेजिंग सा ग्लो दे सकते हो, एक नेचुरल ग्लो। आई होप आप लोगों को इन दोनों प्रोडक्ट्स के इस्तेमाल के बारे में जानकर अच्छा लगा होगा, इनके फवायद जानकर अच्छा लगा होगा। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।